हेलो बच्चों, सो लास्ट एक्सरसाइज तक हमने 13.2 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, और इसमें आपके पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे हम 22/7, जब तक आपको स्पेशली 3.14 के बारे में बोला ना चाहे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस। ये काफ़ी इजी रहेगी आपकी, थोड़ा बहुत चेंजेस तो आते रहेंगे इसमें भी। ए मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक मेटालिक स्पीयर है जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए शेप ऑफ सिलेंडर। इसको मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया एज ए सिलेंडर, सिलेंडर की फॉर्म में। और सिलेंडर की जो डायमेंशन रहेगी वो है रेडियस 6। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर आर इज 6 सेंटीमीटर, और हमें इसमें हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये R1, ये R2। सो आप पहले नोट डाउन कीजिए इसमें कि गिवन जो भी आपको दे रखा है इसमें कि रेडियस ऑफ स्पीयर इज 4.2 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, और यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्सन। हमने किया क्या इसको, इसको सिंपल रिकास्ट किया, मीन्स इसको पिघला कर यानी इसको मेल्ट किया, और उस मेल्ट करने के बाद में 6 सेंटीमीटर का एक यहाँ पे सिलेंडर बनाया गया, उसकी हाइट बतानी कितना हाइट का ये बन सकता है। ओके, सो सिंपल, जब हम किसी चीज़ को मेल्ट करके रिफॉर्म करते हैं तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। मीन्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी जितना हमारा मटेरियल था उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आया, मटेरियल तो उतना ही है ना, सिर्फ इसको रिकास्ट किया है, मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट किया हमने। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर हम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, और यहाँ पे R1। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² h, और R हो जाएगा हमारा R2 के इक्वल। ओके, तो इसको हम आमने सामने रखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा कि पाई से पाई कैंसिल आउट करेंगे। हमें एच की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, एच की वैल्यू। ठीक है, 4/3 इंटू में पाई को एज इट इज पाई रखा मैंने, और R1 कितना है, दैट इज 4.2 × 4.2 × में 4.2। ओके, अब देखिए इधर पाई को पाई रखेंगे, R² यानी 6 × 6, और इंटू में हो जाएगा h। हमें कैलकुलेट करना है h की वैल्यू को, तो आप ये पहले लिख भी सकते हो, लेट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्सन इज, या फिर लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज h सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें यहाँ पे h की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो h को छोड़कर जो भी हमारे पास यहाँ पे डिजिट है उनको हम इस साइड कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे ना, 4/3 × π, 4.2 × में 4.2 × में 4.2, और ये जो आपका पाई 6 और 6 जो इस साइड मल्टीप्लाई में, वो इस साइड आकर क्या आ जाएंगे, डिवाइड में, यानी π × 6 × में 6। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से इसको करेंगे 0.7, इसको अगेन करेंगे 0.7। ठीक है, और 3 से इसको क्रॉस करेंगे 1.4। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बची, 4, 7, 7, 14, या 1.4। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5.6 और 4.49। यह आ जाएगा आपकी वैल्यू 2744, 2744 इज इक्वल टू एच, और 1, 2 और 3 के बाद में हम लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 2.7, सिंपल लिखेंगे तो 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट है ना ये, तो ये हमारा रहेगा सिंपल सेंटीमीटर की यूनिट में। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए यहाँ पे कि एक स्फेरिकल बॉल थी, उसको सिर्फ रीकास्ट किया है। ओके, रीकास्ट का मतलब उसको मेल्ट किया, यानी कि उसका जो क्वांटिटी था वो एज इट इज उतना ही रहेगा, उस क्वांटिटी को हमने सिर्फ शेप चेंज किया है। किस में? सिलेंड्रिकल के अंदर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ दिस एंड वॉल्यूम ऑफ दिस दोनों को कंपेयर करेंगे और हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो इसी वे में करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10, यानी कि तीन स्पीयर हमारे पास मेटालिक। आर इज इक्वल टू, यानी कि आर वन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर टू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर थ्री इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन तीनों को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्पीयर तैयार किया गया है, यानी इन तीनों को मेल्ट किया और इनसे मिलाकर एक सॉलिड बड़ा स्पीयर तैयार किया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्पीयर, इसकी रेडियस कैलकुलेट करेंगे। लेट रेडियस ऑफ द स्पीयर इज आर। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को कि हमारे पास पहले तीन छोटे अलग अलग साइज के स्पीयर थे, ठीक है, उन तीनों को मेल्ट करके जितना इन तीनों का जो अमाउंट मिलेगा हमारा क्वांटिटी जो भी मेटल की, उससे हमने एक नया स्पीयर तैयार किया तीनों को मिलाकर, और उस स्पीयर की आपको रेडियस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, क्योंकि तीनों की क्वांटिटी से रिलेटेड है इसलिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर प्लस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट स्पीयर। ठीक है, इस टाइप से सो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम होगा तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 4/3 पाई आर वन क्यूब प्लस में 4/3 पाई आर टू क्यूब प्लस में 4/3 पाई आर थ्री का क्यूब और इज इक्वल टू, ये भी एज स्पीयर है इसलिए ये भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमें इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स, इसमें से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 4/3 और पाई को, तो अंदर क्या बचेगा, आर वन क्यूब प्लस आर टू क्यूब प्लस आर थ्री क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई एंड आर क्यूब। ओके, तो इनको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ये डाटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आर वन क्यूब दैट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 प्लस में 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड प्लस में 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू आर क्यूब। ओके, सो मल्टीप्लाई की टर्म को पहले कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे हम दैट इज 666 216 प्लस में 572, ठीक है, फाइव मेरे को इसमें डाउट था, 512 प्लस 10 1000 इज इक्वल टू आर क्यूब। इन सबको ऐड करेंगे, दैट इज 1728 और यहाँ पे हमें इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब है ना, यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट निकाल देते, अब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, इसलिए 1728 को आप कैसे भी करें वो आप पे डिपेंड करेगा कि 1728 के क्यूब, सिंपल फॉर्म में बात करें तो सबसे इजी यही होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी होता है।
ठीक है, ये हमारे इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे। तो हमें क्यूब की चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से 3 के पेयर जनरेट करेंगे, क्यूब पूछा इसलिए 3 के पेयर, ठीक है। सो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 × 2 × 3 मीन्स दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे कि जब 3 स्पीयर अलग अलग साइज के आपको दे रखे हैं तो उनसे जो हमारा रिजल्टेंट जो स्पीयर तैयार किया गया है ना उसकी आपको रेडियस कैलकुलेट करनी थी। तो हमने सिंपल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम, तीनों को वॉल्यूम अटैच किया, यानी कि तीनों का वॉल्यूम तो इकट्ठा ही होगा ना मेल्ट करने पे, और उससे जो हमारा न्यू बनेगा स्पीयर उसकी आर हमने कैलकुलेट की है। तो 4/3 पाई को कॉमन निकाल लेंगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, और लास्ट में आर की क्यूब यहाँ पे, ठीक है, आर क्यूब है, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी रहता है ये। 3 के पेयर तैयार करेंगे हम और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगर स्क्वायर पूछते 2 के बना देते इस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट जो कि इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3rd इज ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं खोदा गया है 20 मीटर डीप, यानी 20 मीटर का एक गड्ढा किया गया है, वेल है ये कुआं, और डायमीटर इज 7 मीटर, इसका डायमीटर कितना है 7 मीटर। ओके, और इसमें से जो भी मिट्टी बाहर निकली हमारी, ठीक है, इसमें से जितनी भी मिट्टी बाहर निकली ना उसको एक प्लेटफॉर्म के शेप में कन्वर्ट किया गया जो कि 22 मीटर बाई 14, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसे इस टाइप से 22 मीटर × 14 मीटर, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करनी है इस प्लेटफॉर्म की हाइट, यानी इस गड्ढे को या फिर कुएं को खोदने के बाद में जो मिट्टी निकली है ना उससे हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया ऐसा, और हमें इस प्लेटफॉर्म की हाइट यानी ऊंचाई निकालने की, कितना ऊंचा बन सकता है ये। ओके, सो वही सेम यहाँ पे मैं इस साइड लिख देता हूँ, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दैट इज 7 मीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 3.5 मीटर, ओके, एंड हाइट इज 20 मीटर, और जो हमारा प्लेटफॉर्म बना ना उसकी लेंथ कितनी है 22 मीटर, ब्रेथ इज 14 मीटर, एंड लेट हाइट इज h मीटर, ठीक है, और यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सेम वही क्वांटिटी से रिलेटेड है कि इसको जब खोदा गया तो कितनी क्वांटिटी मिट्टी हमारी बाहर निकलेगी, और उसको हमने कन्वर्ट किया है प्लेटफॉर्म में। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम, किस में कन्वर्ट किया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कन्वर्टेड इंटू क्यूबॉइड, या फिर प्लेटफॉर्म या फिर क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म। सो सॉइल का वॉल्यूम कितना होगा जो कि इसके अंदर से निकला है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू, कन्वर्ट क्या किया गया हमने क्यूबॉइड क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म के अंदर, और उसका वॉल्यूम क्या होता है 20, यानी कि L into B into H, ओके, सो सॉइल की वैल्यू निकालेंगे 22/7, R कितना है 3.5, यानी कि 7/2 लिख लेते हैं, ठीक है, 7/2, एंड हाइट इज 20 इज इक्वल टू लेंथ इज 22,
14 एंड हाइट को हमने लिखा है h। हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, h की वैल्यू यानी कि 22 और जो 14 है वो मल्टीप्लाई में साइड आकर डिवाइड में, सो कैंसिल आउट कर लो साथ ही इसमें, 7 × 7 2 × 11 एंड 2 × 10। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 11 × 7 × 10 और जो 22 × 14 है वो इधर आके डिवाइड में, कैंसिल आउट करेंगे 2 7 × 2 2 × 5 5/2 क्या होता है, दैट इज 2.5 मीटर हाइट। ओके, प्लेटफॉर्म की हाइट क्या होगी, उस मिट्टी से 2.5 मीटर की प्लेटफॉर्म की हाइट हो जाएगी, यानी जो हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ना वो कितना ऊंचा बनेगा, 2.5 मीटर बन जाएगा। ओके, सो आज हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 एंड 3, बाकी नेक्स्ट के अंदर। बाय बाय स्टूडेंट्स।